पूरे देश का आंदोलन है ये, कल पंजाब का नहीं, पंजाब तो अगवाई कर रहा। ऐसा बिल बनाया गया कि उसमें संशोधन करना पड़ रहा है। लाल किले पर कब्जा करेंगे, जो भी इनके मेन स्थल है उन पर कब्जा करेंगे। अभी आंदोलन थ्रू आउट इंडिया और थ्रू आउट वर्ल्ड हो गया, ये दुनिया भर से समर्थन हो रहा है इसका। किसान यहाँ गुस्से में हैं, उनका प्रदर्शन देख सकते हैं आप, जैसे वी आर फार्मर्स नॉट टेररिस्ट, मतलब क्या कि वो आतंकवादी नहीं है, लेकिन जिस तरीके से उन्हें प्रचारित किया जा रहा है, मीडिया का एक बड़ा हिस्सा उन्हें आतंकवादी बता रहा है, वो गलत ये साबित कर रहे हैं। यहाँ बड़े ही शांति से प्रदर्शन किया जा रहा है। हम कुछ लोगों से बात करेंगे। जी, आप कहाँ से आई हैं? हम करदमपुरी, दिल्ली करदमपुरी से आए। अच्छा, तो ये आपको कानून के खिलाफ आई हैं यहाँ? जी बिल्कुल, कानून के खिलाफ और किसानों के समर्थन में आए हम। तो क्या चाहती हैं कि किसी तरीके से संशोधन हो या पूरा कानून वापस हो? नहीं, बिल्कुल पूरा कानून वापस होना चाहिए, इसमें कोई भलाई नहीं है, कहीं से कहीं तक भी कोई भलाई नहीं है, कोई खैर नहीं है। तो अभी आप जो है गोदी मीडिया या अंबानी कह सकते हैं, रिलायंस जियो का बहिष्कार वाला फोटो ली थी आप? हाँ, मैं उसका बिल्कुल शुरू से ही बहिष्कार करती हूँ। मैं इसके अंबानी अडानी के मैं चैनल्स का सारा बहिष्कार करती हूँ, मैं इनके रिलायंस की सिमो का बहिष्कार करती हूँ, जितने भी अंबानी अडानी चाहिए सबके बहिष्कार करती हूँ। और ये राष्ट्रीय मीडिया का क्यों विरोध है यहाँ? ये विरोध है बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम सारा बिगाड़ पैदा करने वाला काम सिर्फ यही करती है और कोई मीडिया नहीं करती। किसान, जो किसान परेशान है तो सभी परेशान है। मेन प्रॉब्लम ये है भी ये कानून जेड़े रद्द कराना मकसद है, और हमको कुछ नहीं दिसता, बस कानून रद्द कराने हैं बस, यही बात है। अच्छा। हम राजनीतिक नहीं है, किसी पार्टी से हमारा संबंध नहीं है। अच्छा। ये कानून रद्द कराने हैं, ये हमारा मकसद है। किसानों के आंदोलन को किस तरीके से देखते हैं, क्या सरकार पीछे कदम लेगी या फिर ऐसे ही जिस तरीके से रूल अभी बनी है? सरकार को तो लेना पड़ेगा, ये कदम पीछे लेना पड़ेगा, क्योंकि किसान जो है ना अन्नदाता है, बगैर इसके तो कुछ हो ही नहीं सकता, चाहे कोई हो, मोदी जी हो, कितनी भी उनकी कैबिनेट हो, सब लोग अन्न खाते हैं। तो वो कह रहा है कि हम संशोधन कर देंगे, इसमें हम फिर से बना देंगे। भाई जब संशोधन, ऐसा बिल बनाया ही क्यों जल्दबाजी में, इतना ऐसा बिल बनाया गया कि उसमें संशोधन करना पड़ रहा है? आपकी मतलब इतने बड़े बड़े लोग वहाँ पर, पढ़े लिखे लोग हैं आपके उसमें कैबिनेट में, वो क्या कर रहे थे? आधे से ज़्यादा तो भारत बेच दिया इस मोदी ने। तो ये किसानों पर जब ये कानून आए ना, तभी जाग उठा किसान, जगाया पंजाब ने। इतना बड़ा ये आंदोलन हो गया, ऐतिहासिक आंदोलन हो चुका है, थ्रू आउट वर्ल्ड के लोग इसके साथ इकट्ठे हो गए हैं, तो ये दो फाड़ डालने की एक प्लान है। हरियाणा सरकार वो बोल रही है, वो बोल रही है, तो वो किसानों को भी कह रहे हैं कि वो किसान ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, किसी को ये मंजूर कह रहे हैं, किसी को बोल रहे नहीं मंजूर है, ये सब छोटी बातें रह गई अब। ये आंदोलन बहुत ऊपर से निकल गया, ये छोटी छोटी जो बातें हैं ना, वो ये कह रहा है, ये कह रहा है, ये आउट ऑफ वे हो गई अभी। तो अगर नहीं सुनती सरकार तो आप कितने दिन यहाँ बैठे रहेंगे, इसके बाद क्या करने की प्लानिंग है आपकी? सरकार बात नहीं सुनेगी तो हम जो हमारी जथेबंदियाँ हैं, जो हमारा सारा प्लान कर जो फिर अपनी सलाह कर फिर कुछ करेगी। तो कहाँ तक, मतलब आगे और बढ़ेंगे, दिल्ली के अंदर जाएंगे या फिर यहीं से आप बैठे रहेंगे? नहीं, अभी कोई सलाह मशवरा नहीं हुआ, अभी तो यहाँ तक ही है, सिंघू बॉर्डर तक। जैसे जैसे जथेबंदियाँ प्लान करेंगी वैसे वैसे सब चलता जाएगा। तो अगर क्या इनको इतना फिक्र है कि आगे तक जाएंगे किसान आगे तक, तो ये हमारा जो हमारा समाधान है उसका करें, सुने हम बात क्यों नहीं सुनते लोगों की? अब ये तो यहाँ के लीडर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो लोग क्या नेक्स्ट स्टेप उठाते हैं, ये मेरे कहने से नहीं है, लेकिन हम किसानों के साथ हैं, हम ये जानते हैं। अभी ये आंदोलन थ्रू आउट इंडिया और थ्रू आउट वर्ल्ड हो गया, ये दुनिया भर से समर्थन हो रहा है इसका, और पहले लोगों को था कि खाली पंजाब के ही किसान है, अभी पंजाब के नहीं है, थ्रू आउट इंडिया के किसान है। अगर जे ना माने थोड़ा जरा हम जहाँ बैठेंगे, फिर आगे 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 जाकर सब कब्जा करेंगे, लाल किले पर कब्जा करेंगे, जो भी इनके मेन स्थल है उन पर कब्जा करेंगे। कब्जा करने का क्या मतलब, जब तक कानून वापस नहीं होता आप आगे बढ़ते जाएंगे? जैसे हमने जहाँ किया है जे कब्जे वाला साहब है। अच्छा, एक बड़ी संख्या ये भी कह रही है कि इस कानून का विरोध केवल दो ही राज्यों के किसान क्यों कर रहे हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है, ये तो इससे पहले भी करते आए हैं, इस तरीके का प्रोपेगंडा तो ये लोग चलाते ही हैं, इनका तो काम है डिवाइड एंड रूल, ये बांटो और राज करो, और इसी पर ये चलते हैं। तो ऐसा नहीं है सब जगह के लोग, हर धर्म के लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये किसान आंदोलन है पूरे देश का,
पूरे देश का आंदोलन है ये, कले पंजाब का नहीं, पंजाब तो अगुवाई कर रहा, ये सारे देश का आंदोलन है। सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं, ये शांति आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा या फिर कुछ आगे बढ़ेंगे? देखिए, मैं सरकार से ये गुजारिश करता हूँ मुस्लिम होने के नाते कि हम लोगों को, हिंदुस्तानी हैं हम लोगों को एक हिंदुस्तान में रहने दो, और इस तरीके के जो भी बिल है ना उसको मेहरबानी करके आप वापस ले लो और यहाँ पे अमन चैन से हर शख्स यहाँ रह सके। आपका मुद्दा बनेगा देश का मुद्दा। मॉलटिक्स ऐप पर शेयर करिए अपनी बात हमारे साथ, हम उठाएंगे आपकी आवाज़।